एक बार रोहन को एक फ़ोन आता है, तो जब वो उसे उठाने जाता है तो उसके अंदर एक डाकू बोलता है कि तुम्हारा बच्चा हमारे पास है, अगर तुम्हें उसे बचाना है तो जल्दी से बंगला नंबर 10 की तरफ आ जाओ वरना वो ख़त्म हो जाएगा। फिर रोहन जल्दी से अपनी कार में बैठ के बंगला नंबर 10 की तरफ निकल जाता है। जब वो बंगला नंबर 10 के पास आता है और गाड़ी से बाहर निकलता है तो एकदम से अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है और फिर वो डाकू आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हें मेरी पांचों पहेलियों का जवाब एकदम सही देना है, अगर तुमने उनका गलत जवाब दिया तो तुम्हारा बच्चा ख़त्म हो जाएगा। तो ये है एक सूटकेस जिसके अंदर इस कमरे की चाबी है। तो चलो पहेली को शुरू करते हैं। तो पहली पहेली है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका एक अंगूठा है, चार उंगलियां हैं, लेकिन वो जिंदा नहीं है। मेरी दूसरी पहेली, मेरे अंदर चाबियां भरी पड़ी हैं लेकिन मैं कोई भी दरवाज़ा नहीं खोल सकता, मैं हूँ कौन हूँ बताओ। मेरी तीसरी पहेली, ये अक्षर हर डिक्शनरी में ही गलत होता है, बताओ ये कौन सा अक्षर है। मेरी चौथी पहेली है, मैं ऐसी चीज़ हूँ जिसके अंदर ढेर सारे छेद हैं पर फिर भी मैं पानी को अपने अंदर रख पाती हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। अब मेरी आखिरी पहेली है, दुनिया का सबसे छोटा कमरा कौन सा है, तुम इन सब के जवाब दो और अपने बच्चे को ले जाओ। तो दोस्तों आप प्लीज़ रोहन की मदद कीजिए, अपने आंसर आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। पहले पहेली का जवाब है एक ग्लव और दूसरी पहेली का जवाब है एक पियानो, तीसरी पहेली का जवाब है गलत, तो चौथी पहेली का जवाब है एक स्पंज, आखिरी वाली पहेली का जवाब है एक मशरूम। तो रोहन इन सारी की सारी पहेलियों का जवाब एकदम सही देता है। तो अगर आपके भी आंसर सही हैं तो आप कमेंट में ये भी लिखिएगा। और इसके बाद अब रोहन अपने बच्चे को लेकर अपने घर चला जाता है।